हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीपी का 17 और 18 फरवरी को, यह एग्ज़ाम आपका कैंसिल कर दिया गया है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लिया बड़ा फैसला, निरस्त की गई यूपी पुलिस सिपाही भर्ती। आप देख सकते हैं ये चीज़ अभी अभी जस्ट निकल के आ रही है 24 फरवरी और 1:41 पे, तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है अमर उजाला के न्यूज़पेपर में। योगी आदित्यनाथ जी ने ये देखिए बयान किया है और इन्होंने ये देखिए पूरा विज्ञप्ति जारी कर दिया है कि दिनांक 17 और 18 फरवरी 2024 को आपके दोनों के दोनों दिन के और चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपका किसी एक शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, चारों शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम कैंसिल होकर अब री एग्ज़ाम होगा। और साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि पारदर्शिता के माध्यम से आपका जो है 6 महीने के अंदर पुनः भर्ती इसकी की जाएगी, पुनः री एग्ज़ाम किया जाएगा और तमाम साथियों को जो है आने जाने के लिए निःशुल्क सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। ये चीज़ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि दिनांक 17 और 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन के द्वारा सम्यक विचारोपरांत शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। तो हम सभी साथियों का बहुत बड़ी इसमें विजय हासिल हुई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सत्य की जीत हुई है। ठीक है, आप लोगों के जो भी सपोर्ट रहा है और आपका जो भी धरना प्रदर्शन रहा है, सभी का सभी सफल हुआ है और होना भी क्यों ना था। साथी, आखिर अन्याय की विजय कब तक होगी? अन्याय को आखिर एक ना एक दिन हारना ही पड़ता है और सत्य की विजय हो ही गई है। देख सकते हैं कि शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी ये चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे जो आपकी धांधलीबाजी हुई है तो इस पर भी एक सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन तमाम सारे जो भी सॉल्वर हैं या गैंग सॉल्वर हैं जो भी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। शासन ने प्रकरण की जांच STF से कराए जाने का निर्णय लिया है। अब इसकी जो भी प्रकरण है, आपका पेपर लीक कैसे हुआ, कहाँ से कैसे हुआ, इसकी जाँच अब STF करेगी। ठीक है, और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थानों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता, समझ रहे हैं, 6 माह के अंदर आपका पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की ओर से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। मतलब कि इस बार क्या होगा, जो आपका जो भी आपके बसों की जो सुविधा है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तरफ से, बच्चों का आना जाना एकदम फ्री रहेगा। ठीक है, और इस बार हो सकता है कि आपका जो CBT मोड हो, ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि ये सब आप सबके सहयोग की वजह से हुआ है। आखिर जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक प्रेशर था, चुनावी माहौल चल रहा था और 50 लाख आप समझ सकते हैं फॉर्म पड़ा है। अगर इतने बच्चे, इतने बड़े बच्चे अगर जो है इतने भीड़ में अगर सरकार को आगे झुकना ही पड़ा और नहीं झुकती तो आए दिन कहीं ना कोई दंगा फसाद, कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता। इसीलिए जैसा कि आपको बता दें कि 2 दिन का समय मांगा था, ठीक है, और इसका रिज़ल्ट देख आप देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर ही आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल गया। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है इस तमाम सारी चीज़ों को लेकर। तो बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय निकल के आई है। तो आप देख सकते हैं ये नोटिस एकदम वायरल हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बतानी थी और हमने बता दिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से इस बार तैयारी करके जाना है। ठीक है, जो भी अगर कोई भी साथी का जो है अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई थी तो बहुत ही अच्छा आपको मौका मिल गया, अच्छे से जो है आप तैयारी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह कर लीजिएगा क्योंकि अब ये चुनाव के बाद ही आपका एग्ज़ाम होना है। जैसा कि कह दिया गया है 6 माह के अंदर होगा, तो अब चुनाव के बाद में आपका 9 मई तक जाएगा एग्ज़ाम आपका और अच्छा खासा टाइम भी मिल गया है। चलिए फिर तैयारी में लग जाइएगा। सभी साथियों को जय हिंद, आपकी विजय हुई है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।